को स्नेक पॉइजन फैमिली ऑफ अ मिलेंकली टेम्परामेंट मिलेंकली कहने का मतलब ऐसे पर्सन जो सैड या सोफुल टेम्परामेंट के हैं डार्क आइज एंड डिस्पोजिशन टू लो स्परिट्स एंड इंडोलेंस जिनकी आइज डार्क हैं और डिस्पोजिशन है जिनका लो स्पिरिट्स होने का यानी सैड रहने की टेंडेंसी है इंडोलेंस यानी लेजी पर्सनस हैं वुमेंस ऑफ अ कोलेरिक टेम्परमेंट ऐसी महिलाएं जो कोलेरिक टेम्परमेंट की हैं मींस एक्सट्रोवर्टेड हैं क्विक थिंकिंग है एक्टिव है प्रैक्टिकल है स्ट्रॉन्ग विल्ड है विद फ्रैकल्स जिनके चेहरे पर जो है वो रेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं या फिर रेड हेयर्स होते हैं ऐसा फॉस्फोरस में भी देखने को मिलता है बेटर एडाप्टेड टू थिन इमेसीटेड टू फ्लेसी जनरली थिन और इमेसिएटेड परसेंस को बेटर एडाप्ट होता है एज कम्पेयर टू फ्लेसी यानी दुबले पतले लोगों की मेडिसिन है टू हु हैव चेंज ऐसे पर्सनस जो चेंज हो गए हैं मेंटली एंड फिजिकली मेंटली और फिजिकली अपनी बीमारी की वजह से जिनमें चेंजेज आए हैं ऐसे पर्सनस को ज़्यादा बेटर अडाप्ट होता है क्लाइमेट्रिक एलिमेंट्स क्लाइमेट्रिक कहने का मतलब वो मिनोपॉज वाले जो एज के जो भी एलिमेंट्स हैं मिनोपॉज के समय की जो भी दिक्कतें हैं हेमराइड्स हेमरेजेस यानी पाइल्स की जो ब्लीडिंग है हॉट फ्लसेस यानी सडन फीलिंग ऑफ वार्मथ इसके साथ साथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती मिनोपॉज के टाइम पे हॉट पर्सपिरेशन वही प्रोफ्यूज स्वेटिंग होना बर्निंग वर्टेक्स हेडेक की जो वर्टेक्स है वहाँ पर बर्निंग होना उसके साथ साथ बर्निंग हेडेक होना स्पेशली एट और आफ्टर द मिनोपॉज यानी मीनोपॉज के टाइम पे या मिनोपॉज के बाद ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं ऐसा सेंगुनेरिया और सल्फर में भी देखने को मिलता है एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ लंबे समय से कोई दुख है कोई ग्रीफ है उसकी वजह से एलिमेंट होना सोरो फ्राइट वैक्सेशन जेलसी और डिसअपॉइंटेड लव दुख है, है। फ्राइड का मतलब डरा हुआ है पर्सन ह्यूमिलिटी फेस करी है बेजती हुई है उसकी जेलसी मैंने जलन फील हुई है या फिर डिसअपॉइंटेड लव हो ऐसा ऑरम में इग्निशिया में और फॉस्फोरिक एसिड में भी देखने को मिलता है वुमेन हु हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द चेंज ऑफ लाइफ ऐसी महिलाएं जो लाइफ में कोई चेंज आया उसे फिर रिकवर नहीं कर पाई तो इनके लिए लाइन कही जाती है कि हैव नेवर फेल्ट वेल सिंस दैट टाइम कि उस समय से यानी कुछ इनकी लाइफ में कुछ चेंज आया उसके बाद ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं उसके बाद से आ, नेवर फेल्ट वेल लेफ्ट साइड प्रिंसिपली इफेक्टेड लेकेसिस में जनरली क्या होता है कि लेफ्ट साइड जो है वो प्रिंसिपली इफेक्ट होता है डिजीज इज बिकिन ऑन द लेफ्ट डिजीजे जो है वो लेफ्ट साइड में स्टार्ट होती हैं और लेफ्ट से राइट right की तरफ जाने की टेंडेंसी होती है जैसे लेफ्ट ओवरी अफेक्टेड होगा लेफ्ट टेस्टिकल लेफ्ट चेस्ट और फिर ये राइट की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी इसमें ग्रेटर सेंसिटिवनेस टू टच छूने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है थ्रोट स्टमक एबडमिन ये जो सेंसिटिवनेस टू टच है ये थ्रोट में स्टमक में और एबडोमिन में देखने को मिलेगी कैन नाट बीयर बेड क्लॉथ्स और नाइट ड्रेस टू टच थ्रोट और एबडोमिन और सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो बिस्तर में कपड़े पहने जाते हैं जो नाइट ड्रेस है बेड क्लॉथ्स से वो भी अगर थ्रोट पे टच हो जाए एबडमिन पे टच हो जाए तो ये बर्दाश्त नहीं होता है नो बिकॉज सोर और टेंडर और इस वजह से नहीं होता है कि वहाँ पे कुछ दुखा है या स्वेलिंग है जैसे कि एपिसिस और एपिस और बेलाडोना में देखने को मिलता है बट एक्चुअल में क्या होता है क्लॉथ्स की वजह से उसको अनइजीनेस होती है मेक्स हर नर्वस लेकेसिस का पेशेंट क्लॉथ्स की वजह से अनइजी फील करता है और उसकी वजह से वो नर्वस फील करता है इनटॉलरेंस ऑफ टाइट बैंड अबाउट नेक और वेस्ट नेक और वेस्ट पे जो है वो टाइट बैंड्स इंटॉलरेट होते हैं तो जनरल प्रैक्टिस में आप कैसे पहचानोगे लाइकिस का पेशेंट है जनरली ये कॉलर बटन नहीं लगाए होंगे ठीक है और जनरली ये बेल्ट वगैरह नहीं बांधते क्योंकि टाइट uh, बैंड्स का इंटॉलरेंस देखने को मिलता है एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड कॉज ग्रेट डेबिलिटी देखिए यहाँ पर हीट का एक्सट्रीम हो या कोल्ड का एक्सट्रीम हो दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है ड्रंकट्स विद कंजस्टिव हेडक्स एंड हेमराइड्स ऐसे ड्रंकट्स जो अल्कोहल के आदि हैं बहुत लंबे टाइम से उनमें कंजेस्टिव हेडक होना हेमराइड्स होना प्रोन टू एरेपसेल्स और एपोप्लेक्सी जिनमें एरेपसेलस होने की टेंडेंसी हो इरेपसेलस मैंने रेडनेस हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है इनफ्लामेशन हो जाता है स्किन का फेस पे या फिर एपोप्लेक्सी होने की टेंडेंसी हो यानी सेरेब्रल हेमरेज स्ट्रोक की वजह से वो कंजेशन हुआ तो सेरेब्रल हेमरेज स्ट्रोक हो सकता है उसकी वजह से अनकॉन्शियस हो जाना हेडेक प्रेसिंग और बस्टिंग पेन इन टेम्पल्स की हेडेक है हेडेक में जो है वो प्रेसिंग या बस्टिंग पेन होता है टेम्पल रीजन पे एग्रीवेटेड फ्रॉम मोशन मोशन से एग्रीवेशन देखने को मिलता है हेडेक में प्रेशर से स्टूपिंग मैंने आगे झुकने से लाइंग मतलब लेटने से एंड आफ्टर स्लीप So, किस टाइप का है प्रेसिंग और बर्स्टिंग पेन होता है टेम्पल्स में एग्रेवेशन देखने को मिलता है मोशन से प्रेशर से स्टूपिंग से यानी आगे झुकने की वजह से लेटने की वजह से या सो के उठेगा तब ड्रेड टू गो टू स्लीपिक और लेके पेशेंट जो है वो सोने से डरता है कि सोने नहीं जाएगा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जब वो उठेगा तो उसको ऐसा हेडेक होगा इस वजह से वो सोने जाने से डरता है इरेगुलर मैं menses. Menses तो सप्रेस होते हैं या इरेगुलर होते हैं एट क्लाइमेक्सिस क्लाइमेट्रिक पीरियड पे मिनोपॉज के पीरियड पे लेफ्ट साइडेड एपोप्लेक्सी यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है लेफ्ट साइड के जो भी पार्ट है वो

और द एग्रवेशन वेक्स हिम फ्रॉम स्लीप यह सिम्टम्स के एग्रवेशन की वजह से पेशेंट जो है वो उठ के बैठ जाता है स्लीप इन टू देशन जैसे ही सोएगा एग्रीवेट हो जाएगा और सोने के बाद जब उठेगा तो पर्सन कैसा होगा अनहैप्पी डिस्ट्रेस्ड एंक्शियस सैड की पर्सन अनहैप्पी होगा डिस्ट्रेस में होगा बहुत ज्यादा परेशान होगा एंक्शियस होगा दुखी होगा इन मॉर्निंग ऑन वेकिंग सुबह सुबह जब सो के उठेगा तब उसको ये सब दिक्कतें देखने को मिलेंगी मेंटल एक्साइटेबिलिटी मेंटली बहुत ज्यादा एक्साइटेबिलिटी फील करता है इक्टेसी यानी स्ट्रांग इमोशंस होते हैं विद ऑलमोस्ट प्रोफेटिक परसेप्शंस यानी वो ऐसी बातें करेगा कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लग जाएगा विद विविड इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग इमेजिनेशन होता है इस पर्सन का ग्रेट लोकासिटी लोकासिटी का मतलब है टेकेटिव बहुत ज्यादा बात करने की टेंडेंसी होगी

स्टूल जो है वो रेक्टम में ही रहेगा विदाउट अर्जिंग यानी कॉन्स्टिपेशन है लेकिन अर्जिंग नहीं है इस पेशेंट को सेंसेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ और ऐसा लगेगा कि इनल इंस्पेक्टर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है ऐसा सेंसेशन होगा कॉस्टिकम में भी ऐसा देखने को मिलता है नाइट्रिक एसिड में भी ऐसा देखने को मिलता है ट रेगुलर टाइम मेन्सेस जो है वो रेगुलर टाइम पे होंगे टू शॉर्ट स्कैंटी फीबल यानी मेन्स बहुत कम होंगे स्कैंटी टू शॉर्ट थोड़े समय के लिए होगा पेन्स आर रिलीव्ड बाय द फ्लो जो दर्द है वो फ्लो से उसमें आराम हो जाएगा ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेन्सेस मेन्सिस के दौरान यानी जब फ्लो स्टार्ट हो गया उसके बाद पेशेंट को जो है वो आराम हो जाएगा ऐसा जिंकम में भी देखने को मिलता है पाइल्स विद स्कैंटी मेन्सेस हो गए यहाँ पर और उसके साथ साथ मेंसेस जो है वो स्कैंटी हो जाएंगे एट क्लाइमेक्सिस क्लाइमेट्रिक यानी मिनोपॉज के टाइम पे स्ट्रेंगुलेटेड यानी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ब्लड वेसल्स का विद स्टिचेस शूटिंग अपवर्ड और स्टिचिंग पेन होगा जो कि ऊपर की तरफ जो है वो शूटिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ जो है वो शूट करेगा ऐसा फील होगा इसमें नाइट्रिक एसिड में भी ऐसा ही देखने को मिलता है द लीस्ट थिंग कमिंग नियर माउथ और नोज इंटरफियर्स ब्रीदिंग मुंह के आसपास नाक के आसपास कुछ भी आएगा तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी वांट्स टू बी फैंड पर्सन की टेंडेंसी होगी जैसे उसको मन करेगा कि लगातार कोई उस पर पंखा करता रहे हवा करता रहे बट स्लोली एंड एट ए डिस्टेंस लेकिन पंखा कैसे करे धीमे करे और दूर करे क्योंकि नोज और माउथ कैसा है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वहां पर कोई भी चीज आएगी तो उससे ब्रीदिंग में इंटरफेयर होगा अगर रैपिड फैनिंग की टेंडेंसी है कि उसका मन कर रहा है कि लगातार कोई पंखा चलाता रहे तेज तेज पंखा चलाता रहे तो ऐसी टेंडेंसी कार्बोवेज में देखने को मिलती है एज सुन एज ही फॉल्स स्लीप द ब्रीदिंग स्टॉप्स और जैसे ही लेकेसिस का पेशेंट सो जाएगा उसकी सांस रुक जाएगी उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि सांस रुक गई है एग्रेवेशन हो जाएगा तो ऐसे जो है वो अमोनियम कार में भी देखने को मिलता है ग्रीन डेलिया रोबस्टा में भी देखने को मिलता है लैक कैनाइनम में भी देखने को मिलता है और ओपीएम में भी ऐसा देखने को मिलता है ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन देखने को मिलेगा ट्रेम्बलिंग इन होल्ड होल बॉडी पूरा शरीर जो है वो कांप रहा होगा विद कॉन्स्टेंटली सिंक डाउन फ्रॉम वीकनेस कि बहुत ज्यादा वीकनेस होने की वजह से सिंकिंग डाउन की टेंडेंसी होगी यानी पर्सन मतलब वाइटल फोर्स बहुत लो हो जाएगा वर्स इन द मॉर्निंग और ये सब दिक्कतें जो है, है। यानी फिजिकल और मेंटल एग्जॉस मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा ऐसा सल्फर में भी देखने को मिलता है ट्यूबरकलाइनम में भी देखने को मिलता है इपिलेप्सी कम्स ड्यूरिंग स्लीप इपिलेप्सीजर्स आ सकते हैं नींद के दौरान बूफो में भी देखने को मिलता है फ्राम फ्राम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूड्स ऑन एजन जीलसी स्वीपिलेप्स यानी सीजर्स किसकी वजह से आएंगे वाइटल फ्लूड्स के लॉस होने की वजह सेक्सुअल एक्सेस की वजह से जेलसी की वजह से हेमरेजिक डायथिस यहाँ पर ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है स्मॉल व्लीड इजली एंड प्रोफ्यूजली जो छोटे छोटे वो है वो वो आसानी से ब्लीडिंग हो जाती है उनमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ऐसा क्रोटेलस uh, फॉरिडस में भी देखने को मिलता है सिकेल कॉर हो गया क्रियोजोट हो गया और फास्फोरस हो गया सो so, क्रोटेलस क्रियोजोट और फास्फोरस में ऐसा हेमरेजिक डायथिस देखने को मिलती है ब्लड डार्क नॉन कॉगुलेबल तो ब्लड कैसा होगा यहाँ पर डार्क होगा नॉन कॉगुलेबल होगा जो कॉगुलेट नहीं होगा ऐसा क्रोटेलस में भी देखने को मिलता है और सिकेल कॉर में भी देखने को मिलता है बॉयल्स कार्बंकल्स अल्सर्स एंड इंटेंस पेन जो बॉइल्स हैं दाने हैं कर्बंकल्स हैं यानी पस फील्ड जो है वो दाने जैसे पड़ जाते हैं जिनमें अंदर से जो है वो कनेक्टेड होते हैं आपस में इंफेक्शन की वजह से अल्सर्स हो सकते हैं और इनमें इंटेंस पेन देखने को मिलता है ऐसा टेरेंटुला में भी देखने को मिलता है मेलेग्नेंट पस्यूल्स ऐसे पस्यूल्स जो फैलेंगे डेगोपिटस का मतलब होता है बेड सोर होना अब बेडसोर कैसा होगा इसमें डार्क होगा ब्लूइश होगा पर्पल अपियरेंस आएगा टेंट टू मेलेग्नेसी जिनमें फैलने की टेंडेंसी होती है बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन वुंड्स पोस्टमार्टम बैड इफेक्ट ऑफ तो पॉइजन वुंड्स पॉइजन वुंड्स के बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ठीक है ये ठीक हो जाते हैं पोस्टमार्टम मतलब तो होता है आफ्टर डेथ यानी जो पॉइजन वुंड है वो ठीक हो गया उसके बाद भी उसमें दिक्कत होगी तो ऐसा पायरोजेनम में देखने को मिलता है बॉल रोलिंग इन द ब्लैडर ऐसी ऐसा कार्बोवेज और सल्फर में भी देखने को मिलता है आफ्टर सपरेशन बाई क्वीनिन की जो फीवर है उसको क्वीनिन देकर सप्रेस किया गया हो प्रवियस ऑटम में तो फीवर जो है वो रिटर्न होता है स्प्रिंग में रिटर्न होता है अब फीवर कैसा है इसमें फीवर टाइफाइड टाइफस स्टूपर और मटरिंग डिलीरियम टाइफाइड फीवर हो सकता है जो कि सेलमिलियन टाइफी के द्वारा कॉज होता है टाइफस फीवर है जो लाइस फीवर भी कहा जाता है आर्थरोपोर्ट्स फैलाते हैं इसको स्ट्यूपर यानी कि जो है वो कॉन्सियस नहीं रहेगा मतलब बुद्धू क्या बोलते हैं बददिमाग जैसी हरकतें करेगा मटरिंग डिलीरियम कि कुछ कुछ बड़बड़ाता रहेगा काउंटिनेंस जो फेस है वो टंग कैसा होगा ड्राई होगा ब्लैक होगा ट्रेम्बल से निकापेगा इज प्रोट्रूडेड विद डिफिकल्टी और कैचेज ऑन द टीथ पेन प्रोट्रूडिंग यानी बड़ी मुश्किल से ये जीव निकाल पाएगा और ये जब जीव निकालेगा भी तो भी वो दांत में फस जाएगा या दांत में पकड़ जाएगा कंजक कैसे देखने को मिलता है फीवर में येलो या फिर ऑरेंज कलर का होता है परस्पिरेशन कैसा होगा स्वेटिंग कोल्ड होगी स्टेन्स येलो ब्लडी ऐसा लाइकोपोडियम में भी देखने को मिलता है कि जो परस्पिरेशन है स्वेटिंग है वो कोल्ड होगा उसके येलो जो है वो स्पॉट्स पड़ जाएंगे कपड़ों पे येलो दाग डालेगा ब्लडी जो है वो स्टेन करेगा ऐसा लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है डिप्थीरिया टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिलाइटिस भी देखने को मिलेगा बेगिनिंग ऑन द लेफ्ट एंड एक्सटेंडिंग टू द टॉन्सिलाइटिस या डिप्थीरिया लेफ्ट में शुरू होगा फिर ये राइट right की तरफ एक्सटेंड करेगा ऐसा लाइक काइनाइनम और सेबेडिला में भी देखने को मिलता है अब टॉन्सिल्स कैसे होंगे डार्क पर्पल एपियरेंस होगा उनमें ऐसा नाजा में भी देखने को मिलता है एग्रवेटेड बाई हॉट ड्रिंक्स की गर्म चीजें पीने की वजह से जो है वो दिक्कत बढ़ेगी स्लीप के बाद दिक्कत बढ़ेगी लिक्विड्स मोर पेनफुल देन सॉलिड्स एंड सोलिंग निकलते समय लिक्विड को निकलने में ज्यादा दिक्कत होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स ऐसे सिम्टम आपको बेलाडोना ब्रायोनिया और एग्निशिया में भी देखने को मिलेंगे प्रोस्ट्रेशन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू तो अपियरेंस ऑफ तो थ्रूट यानी थ्रोट के अपियरेंस को ले लो या किसी भी बीमारी में बात कर लो सभी में आपको प्रोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा वीकनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी रिलेशंस की बात करें तो लैकेसिस कॉम्प्लीमेंट्री है हैपर का लाइकोपोडियम का नाइट्रिक एसिड का इनकम्पैटिबल है एसिटिक एसिड कार्बोलिक एसिड और सोराइनम सुरा, का जो है इनकम्पेटिबल है इन इंटरमीडियट फीवर इंटरमीडियट फीवर में नेट्रम म्यूर फॉलोज लेकेसिस वेल वेन टाइप चेंजेस यानी इंटरमीडियंट फीवर में जब फीवर का टाइप चेंज होता है तो लेकेसिस के बाद नेट्रम म्यूर दिया जा सकता है एग्रवेशन की बात करें एग्रवेशन आफ्टर स्लीप सोने के बाद एग्रवेशन होगा कंटैक्ट यानी छूने से एग्रवेशन होगा एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर चाहे बहुत ज्यादा हॉट हो या बहुत ज्यादा कोल्ड हो दोनों ही कंडीशन में एग्रवेशन देखने को मिलता है एसिड से एग्रवेशन है अल्कोहल से सिंकोना से मरकरी से प्रेशर से या कॉन्स्ट्रिक्शन से सन रेज यानी धूप से दिक्कत होगी स्प्रिंग में दिक्कत होगी और समर वेदर में भी दिक्कत होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स कमेंट द एक्सप्लेन एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन होम्योपैथी